बिकॉज विराट कोहली इज माई फेवरेट प्लेयर. मैं पाकिस्तान को भी सपोर्ट करूँ. देखिए प्यार करना बुरी बात तो नहीं है ना. हम गए थे भारत की कॉन्सुलेट. हमने वहां जाकर बताया कि हम पाकिस्तानी हैं. अस्सलाम वालेकुम हाजरीन. एक लड़की जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ है, उस रोज पाकिस्तान की लड़की आखिरकार इंडिया के ताल्लुक से, इंडियन खिलाड़ी के ताल्लुक से ऐसी कौन सी बात बोल दी है जिस चीज़ को लेकर के सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि हर कंट्री में इस चीज़ को लेकर के बात की जा रही है, हर देश में इस पर बात किया जा रहा है. आखिर कौन सी वजह है, कौन ऐसी बात बोल दी है और ये वायरल लड़की आखिर है कौन? ये पाकिस्तान की है लेकिन अब पाकिस्तान में नहीं रहती, कहाँ रहती है? इस चीज़ को लेकर के आखिरकार कौन से अल्फाज ऐसा इस्तेमाल कर दिया है इस लड़की ने जिस चीज़ को लेकर के हर तरफ बातें की जा रही है, आखिरकार देश का दुश्मन भी कहने के लिए तैयार है? आखिर कौन सी ऐसी बात इसने बोल दी है? तो इन तमामी चीज़ों की जानकारी मैं आप तमामी हजरात के नज़दीक रखूँगा. उससे पहले आप अगर पहली मरतबा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. इसी तरीके की वीडियो जानकारी मैं आप तमामी हजरात के दरमियान ला करके रखता रहता हूं, आपको जानकारी देता रहता हूं. तो चलिए मेरे अहबाब बात करते हैं इस लड़की को लेकर के इस वीडियो के ताल्लुक से. मेरे अहबाब मैं बता दूं, जिस रोज इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ है, क्रिकेट हुआ है, उस रोज ये लड़की वहां पहुंची हुई थी उस क्रिकेट मैच को देखने के लिए. वहीं एक वीडियो इस लड़की की वायरल हुई है, क्या कहते हुए पहले उस वीडियो को आप देखें, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं हाजिर होता हूं आपके नजदीक और वो भी वीडियो देख ले. उसकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हुई है. जब मेरे पास ये वीडियो आई, मैं इस लड़की की जब जानकारी लिया, तहकीक की, तो काफी सारी ऐसी वीडियो इसकी हमारे सामने आई है. उन तमामी वीडियो को भी कहूंगा एडिटर को लगा दे, ये सारी वीडियो आप देख ले, उसके बाद बात करते हैं. बिकॉज विराट कोहली इज माई फेवरेट प्लेयर. मैं स्पेशली उनके लिए यहाँ पर मैच देखने आई थी बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी हिम और आई वॉज एक्सपेक्टिंग हिज सेंचुरी. मेरा दिल टूट गया. पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रही हूँ. देखिए और दोनों साथ हैं. चाचा पड़ोसियों से प्यार करना बुरी बात तो नहीं है ना. अगर विराट और बाबर आजम में से किसी एक को चुनो, आपको तो किसको चुनेंगे? विराट कोहली. आपने दोनों फ्लैग लगाए. एक्चुअली हम गए थे भारत की कॉन्सुलेट. हमने वहाँ जाकर बताया कि हम पाकिस्तानी हैं और हमें विराट कोहली जी बहुत अच्छे लगते हैं. हम इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए अहमदाबाद के मैच देखने जाना चाहते हैं. तो आप बताइए ना, आप हमें वीज़ा कैसे देंगे हमारे इस हरे पासपोर्ट पर? तो उन्होंने हमें कहा कि आप सबसे पहले अपने आसपास कोई करीबी हिंदुस्तानी देखिए जो आपको हिंदुस्तान लेकर जाने की गारंटी ले सके. तो मेरे आसपास तो इतने सारे दोस्त हैं. तो मेरे अहबाब आपने इस वीडियो को देख लिया, ये लड़की विराट कोहली की मोहब्बत में वहाँ पहुँची. अब वहाँ अपने देश के खिलाड़ी को ना सपोर्ट करके ये विराट कोहली को सपोर्ट कर रही है, इंडिया को सपोर्ट कर रही है और इसी चीज़ को लेकर के पूरे सोशल मीडिया पर इतने ट्वीट किए जा रहे हैं ना जिसका कोई जवाब नहीं है. इस चीज़ को लेकर के इतनी बातें की जा रही है जिसका कोई जवाब नहीं. काफ़ी सारे लिखने वालों ने तो ये लिख दिया कि अगर इस कंट्री के रहती या किसी और देश की रहती तो इसको देश का दुश्मन घोषित कर दिया जाता. तो मेरे अहबाब इस चीज को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के, इस सोच को लेकर के आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं. तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में. तब तक के लिए खुदा हाफिज़. शब्बा खैर. अस्सलामु अलैकुम.